Hello everyone, this is your Honey Ma'am. Welcome back to my channel. And today I'm going to solve the practice paper for class 10th. And this is of term 2. And this chapter is SST. ठीक है, तो आज हम जो क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं आपके सामने प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन, दैट इज़ नॉट ऑल अबाउट कि दिस विल ओनली कम, दिस इज जस्ट अ सैम्पल पेपर एंड येट बोर्ड हैज़ नॉट डिसाइडेड कि विच पैटर्न दे विल दे आर गोइंग टू फॉलो. सो आई हैव जस्ट कम विद द टेंटेटिव पैटर्न एंड आई मस्ट से कि ये सिर्फ क्वेश्चंस हैं जो आपको कम से कम इतना तो आना चाहिए. ठीक है, तो क्योंकि ये क्वेश्चंस टर्म टू एग्जाम्स हैं जो कि हमको पता नहीं है कि एट प्रेजेंट सीबीएसई ने क्या डिसाइड किया है कि सैम्पल पेपर कैसा आएगा, तो फिर हमने इस पैटर्न को इसको डिज़ाइन किया है, इस पैटर्न को, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन को एज पर द ट्रेंड ऑफ द प्रीवियस सीबीएसई पेपर्स. ठीक है, सो वी हैव डिवाइज्ड दिस पेपर ऑफ प्रैक्टिस बाय ओनली एंड ओनली फॉर द स्टूडेंट्स दैट आर एक्चुअली एडवाइज नॉट टू कंसीडर दिस पैटर्न, not to consider this pattern कि यही pattern से exam में paper आएगा, और the typology of question as official. So don't do this like that. बस ये कुछ questions हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप सारे students को आना चाहिए. कुछ इसमें case based, मतलब ये passage based question है, कुछ हम assertion reason करेंगे, फिर हम questions के solutions देखेंगे कि किस particular question का कितना कम से कम answer होना चाहिए तो आपको full में से full marks मिल सकते हैं. तो इसी pattern पे हम आज discuss करेंगे. तो ये है आपका पहला रीड द सोर्स वाला क्वेश्चन. ठीक है, जिसके अंडर में ये आपके कितने क्वेश्चंस हैं, कम से कम ई एफ तक क्वेश्चंस हैं, मतलब 6 क्वेश्चंस हैं, उस पर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे. ठीक, तो पैसेज पे हम डिस्कस ना करते हुए, क्योंकि पैसेज का है तो ऑफकोर्स पैसेज से रिलेटेड तो आप आंसर ऑफकोर्स ढूंढ लेंगे. तो पहला क्वेश्चन हम इस पर लेके कि एक आप पहली बात तो सबसे अच्छे से क्वेश्चन को, मतलब इस पूरे पैसेज को रीड करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो पैसेज है वो इतना क्लियर है कि आपको इसके अंदर के सारे सब क्वेश्चंस की आराम से सॉल्यूशंस को मिल पाएगा, इसी से मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस ही नहीं लाई हूँ, मैं इनके आंसर्स भी लाई हूँ. तो यहाँ पे मैं इस पैसेज वाले क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि रीड द पैसेज तो हम क्लास मेरे ख्याल से 5 से करते आ रहे हैं. पैसेज रीड करते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और हम लोग को उसको देख के लिखना होता है. Just like that, this question is going to be solved. We are going to solve the next question. See, the identify the correct statement with regard to the Rowlatt Act from the following options. यहाँ पे Rowlatt Act का meaning actually क्या है, ये आपको बताना चाह रहे हैं. ठीक है, तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है Rowlatt Act को अगर मैं सोचूँ तो Rowlatt Act में क्या क्या हुआ था उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है. तो पहला पॉइंट है इसका, हमको करेक्ट स्टेटमेंट को टिक करना है. इट बिगेन विथ रिनंसिएशन ऑफ टाइटल्स. क्या यहाँ पे सिर्फ टाइटल्स के बारे में ही बात हुई थी? ठीक है, क्या यहीं से स्टार्ट हुआ था ये एक्ट? नेक्स्ट है, इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पावर था कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को वो रिप्रेस कर सके. थर्ड पॉइंट है, नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड. इसी में नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया था, क्या ऐसा हुआ था? नेक्स्ट, इट एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड ऑफ सीक फॉर द ट्रूथ. ठीक है, यहाँ पे पावर ऑफ ट्रूथ क्या है और सच की खोज के लिए क्या क्या किया गया, क्या ये Rowlatt Act इसी पे बेस्ड है? तो अब मैं आऊँगी इसके आंसर पे. इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Rowlatt Act में ये पर्टिकुलरली हुआ था. ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि Rowlatt Act में करेक्ट स्टेटमेंट इन चारों में से क्या था, ये इन चारों में से एग्जैक्टली करेक्ट आंसर था. ठीक है, आप अगर रिकॉल करना चाहते हैं Rowlatt Act क्या था तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, नेशनलिज्म ऑफ इंडिया मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर लिया है. गो विद दैट, Rowlatt Act आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा. इट्स बेटर टू हैव दैट कॉन्सेप्ट अगेन इन योर माइंड टू गेट दिस करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं assertion रीजन में. assertion रीजन में हम क्वेश्चन को समझाएंगे, आपको assertion रीजन लेना है ज़रूरी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे 40% और 50% और 50% थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे, तो ये उनमें से एक होता है, 1 मार्क कैरी ईच assertion रीजन. इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. ठीक है, क्या है assertion, मतलब दावा, ये कहता है कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है कंट्री की उसको मेजर करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बेसिस पे. ठीक है,
रीज़न है इसका क्योंकि इंडियाज़ प्रॉस्पेरिटी लाइज ऑलवेज इन डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज इंडस्ट्रीज. मतलब इंडिया जो प्रॉस्पर है वो डाइवर्सिफाइंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से है. इसलिए ये दोनों एक दूसरे को मैच करते हैं कि नहीं. अब आपके माइंड में ये दोनों को कनेक्ट करना आना चाहिए और आपका आंसर होगा ऑफकोर्स ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, अब समझो बात को. प्रॉस्पेरिटी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को ही है क्या इस पर रिस्पॉन्सिबल या इस पर क्या पूरा बेसिस डिपेंडेंसी? ये ऐसा नहीं था. दोनों ही रीज़न बिल्कुल राइट, दोनों ही एसेशन भी राइट है. यस, जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है कंट्री की वो डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे बेसिस है और जो प्रॉस्पेरिटी है इंडिया की वो डाइवर्सिफाइंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वजह से है. लेकिन ये दोनों एक दूसरे को क्या आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर एसेशन रीज़न. ठीक है, तो आई होप कि आप इन दोनों के को कनेक्ट कर पाए इस एक्सप्लेनेशन से. नेक्स्ट पे चलते हैं हम. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट एसोसिएटेड विद द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया? इनमें से रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया को कौन से स्टेटमेंट एसोसिएट नहीं करता है? ठीक है, नहीं जरूर पढ़ेंगे आप. ये नहीं पढ़ने की वजह से बच्चे गलत ऑप्शन को टिक करके आते हैं. नॉट वाला चीज़ जो है ना वो दिमाग से निकल जाता है बच्चों के. ठीक है, तो ये आप एकदम भी इग्नोर नहीं करेंगे. तो क्या है इसका आंसर, देखिए क्या देखते हैं. क्या इट गेट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन अ लोकसभा इलेक्शन? ऐसा है क्या कि टोटल वोट्स में से 6% जो है वो लोकसभा इलेक्शन में इनका वोट जाता है? नेक्स्ट है, इट गेट्स 2 seats इन द इलेक्शन फॉर स्टेट लेजिस्लेटर. 2 seat स्टेट लेजिस्लेटर में इलेक्शन में इनकी होती है. ठीक है, नेक्स्ट है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रही हूँ मैं अभी. नेक्स्ट है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को क्या 6% ऑफ टोटल वोट इन इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट मिलता है? और या फिर इनमें से चारों के चारों राइट ऑप्शन है. तो हम इसके आंसर पे जाएंगे कि ये है ए, इट गेट्स 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन. रीजनल पार्टी को 6% ऑफ टोटल वोट्स लोकसभा इलेक्शन के लिए मिलते हैं. तो ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. विच स्टेटमेंट आर नॉट एसोसिएटेड, इनमें से ये नहीं है पूछ रहा है. आपको नहीं है का आंसर देना है कि इनको रीजनल पार्टी को 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन नहीं मिलता है. ठीक है, तो ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट इससे एसोसिएट नहीं होता है रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया से, इन इंडिया से. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 5th question में. एक्सप्लेन एनी 2 provisions ऑफ रॉलेक्ट एक्ट एंड इट्स इम्पैक्ट. रॉलेक्ट एक्ट का प्रोविजन क्या था और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? तो सब मैं बोली आपको कि रॉलेक्ट एक्ट आपको फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए तो बेटर रहेगा. अब हम आते हैं उसके प्रोविजंस पे. सबसे पहले तो प्रोविजन है उसके, इट गेव गवर्नमेंट टू द पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल पार्टीज. ये तो एकदम इंपॉर्टेंट था. पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट को पावर दी गई थी, पहला प्रोविजन. दूसरा है उसका, इट अलाउड फॉर द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट एनी ट्रायल ऑफ 2 years. मतलब बिना किसी ट्रायल के 2 सालों के लिए प्रिजनर्स बना के रख दिया, जेल के अंदर उनको डाल दिया जाता था पॉलिटिकल प्रिजनर्स को. ठीक है, तो ये क्या था, एक और प्रोविजन था. 2 provision पूछा है, थर्ड और है, इनमें से कोई भी आप 2 लिख सकते हो. अंडर दिस, इसी के अंदर, इस रोलेक्ट एक्ट के अंदर, द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड अरेस्ट एनीवन. ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं एंड सर्च एनी प्लेस विदाउट अ वारंट. किसी भी प्लेस में वारंट के बिना ही सर्चिंग के लिए जा सकते हैं. तो ये था इनका क्या, प्रोविजंस, किस पे, रॉलेक्ट एक्ट पे. अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये सब जो काम हुए उसका इम्पैक्ट क्या हुआ वहाँ के लोगों पर उस समय? तो गांधी जी रिएक्टेड शार्पली. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स बना के रख सकें. ठीक है, देन दे डिसाइडेड टू लॉन्च द नॉन वायलेंस. ठीक है, नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को उन्होंने इसको क्या किया था, लॉन्च किया था इसके इम्पैक्ट में, और ये था अगेंस्ट रॉलेक्ट एक्ट. ठीक है, नेक्स्ट है, रैलीज निकाली गई थी, ऑर्गेनाइज की गई थी बहुत सारे सिटीज़ में जहाँ पे वर्कर्स थे जो कि स्ट्राइक्स पे गए थे. इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स वर क्लोज डाउन. ठीक है, शॉप्स भी क्लोज डाउन हो चुकी थी, इसका इम्पैक्ट ये हुआ था. ठीक, नेक्स्ट एक और पॉइंट बता दिया जाए इसमें, तो ये देखेंगे, अ पीसफुल प्रोटेस्ट मीटिंग वर देयर. एक शांति प्रिय प्रोटेस्ट करने वाली मीटिंग थी, उसको ऑर्गेनाइज किया गया था एट जलियांवाला बाग अमृतसर. ठीक,
तो ये था उसके प्रोविजन रॉलेक्ट एक्ट के और उसका इम्पैक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप इस तरह से आंसर लिखेंगे एंड यू विल गेट गुड मार्क्स डेफिनेटली। नेक्स्ट करते हैं और पे देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या आ सकता है। रॉलेक्ट एक्ट मतलब आप इसके नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करें, आप हिस्ट्री का क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब हिस्ट्री का ही दूसरा क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ पुअर पीजेंट्री इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पुअर पीजेंट्री जो थे, पीजेंट्स जो थे, उनका क्या रोल था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में? तो देखिए आप, पुअर पीजेंट्स हैज देयर ओन प्रॉब्लम्स। जो पुअर पीजेंट्स है ना, उनकी खुद की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन्होंने फिर भी इस मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वो ये था कि वो बिल्कुल भी ना सिर्फ, दे वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन लोअरिंग द रेवेन्यू, रेवेन्यू को कम करने में ही इंटरेस्ट नहीं था उनका, बल्कि उनको उन्होंने डिमांड किया था कि वो जो वो रेंट पटा रहे हैं ना, विच दे हैड फेल टू पे ड्यूरिंग द डिप्रेशन ईयर्स, वो जो रेंट पटा रहे हैं उनको जो डिप्रेशन ईयर्स, मतलब जो बहुत ही दुखदाई बोलूं या फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब तकलीफ देह जो उनके ईयर्स थे, जिसमें उन्होंने कमा नहीं पा रहे थे और फिर भी उनको रेंट देना पड़ा था, इन सब बातों के खिलाफ या इन सब के लिए वो खड़े हुए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि इसी वजह से हमारी जो पॉवर्टी है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उन्होंने इसमें। और दूसरा था इस मोमेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा गया था, इस पर बात छिड़ी गई थी। नेक्स्ट है, कुछ पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में उन्होंने नो रेंट कैंपेन को लॉन्च किया था, विच वॉज नॉट सपोर्टेड बाय कांग्रेस, जिसको कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया था। आप देखेंगे अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें मैंने इस बात को जरूर बताया है कि जो नो रेंट वाला कैंपेन था उसमें कांग्रेसी के जितने भी थे वो इनके बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थे, बिकॉज दिस माइट हैड अपसेट द रिच, क्योंकि कांग्रेस का जो जितने भी मेंबर्स थे वो रिच पीजेंट से मिले हुए थे, और अगर वो उनका सपोर्ट करते पुअर पीजेंट्स को तो माइट भी जो रिच पीजेंट्स थे वो उनके फेवर में नहीं होते, उनको बहुत मतलब मे बी वो अपसेट हो जाते, और वो जो लैंड लॉर्ड्स हैं जो बड़े बड़े हैं जिनके साथ उनके बहुत अच्छे टर्म्स थे कांग्रेस मेंबर्स के, वो उनके खिलाफ हो जाते। इसीलिए नो रेंट कैंपेन के जो कि पुअर पीजेंसीज ने लॉन्च किया था उसके ये खिलाफ थे। ठीक है, दे वर नॉट इन सपोर्ट ऑफ दैट। नेक्स्ट है, दीज पुअर पीजेंट्स ज्वाइन अ वैरायटी ऑफ रेसिडल रेडिकल मूवमेंट्स। ये पुअर पीजेंट्स ने बहुत सारे रेडिकल मूवमेंट्स को भी ज्वाइन किया था। दे वर ऑफन लेड बाय जो कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ने ही बनाए थे, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ने ही इसको लॉन्च किया था, मतलब स्टार्ट किया था। ठीक है, इन मोमेंट्स को, सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन्ड अनसर्टेन। जो इनके बीच का जो रिलेशनशिप था ना कांग्रेस और पुअर पीजेंट्स के बीच में, वो कुछ बन नहीं पाया, क्योंकि जो पुअर पीजेंट्स थे वो जो चाहते थे वो कांग्रेसी नहीं चाहते थे, कांग्रेस के मेंबर्स नहीं चाहते थे, बिकॉज ऑफ रिच पीजेंट्स एंड द लैंडलॉर्ड्स। ठीक, तो ये है उसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के और का। ठीक, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डिस्क्राइब एनी 3 मेजर रोल फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्री इन इंडिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डिस्क्राइब एनी 3 मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्री इन इंडिया। इन जूट इंडस्ट्री जो इंडिया की थी उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन का आंसर करते हैं हम। द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्री इन इंडिया आर वॉट? यू नीड टू राइट ऑल दिस आंसर लाइक दैट, सो दैट यू कैन गेट गुड एंड मोर मार्क्स। ठीक है, और ये तो बहुत इजी होता है, अगर आप SST को करने जा रहे हैं ना तो आप उसके हेडिंग अगर लिखते हैं ना, हेडिंग सब टाइटल्स अगर लिखेंगे और उसके नीचे अगर आप एक एक लाइन में या 2-2 लाइन में अगर आप उस सब टाइटल्स को एक्सप्लेन कर देंगे तो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, स्टिफ कॉम्पिटिशन इन इंटरनेशनल मार्केट। बहुत ही तगड़ी एकदम कॉम्पिटिशन थी इंटरनेशनल मार्केट में फ्रॉम सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट। सिर्फ सिंथेटिक के सब्स्टिट्यूट आ गए थे, सिंथेटिक्स के सब्स्टिट्यूट आ गए थे, जो कि जूट को बहुत ही मेहनत करनी पड़ी थी कि अपना वो सिक्का कैसे जमाए मार्केट में। ठीक है, जब सिंथेटिक्स के लिए लोग इतना ज़्यादा क्या है उनके ऊपर बेस्ड हैं और वो बहुत सस्ता भी आता है, वो बहुत इजीली भी मिल जाता है, तो व्हाई द पीपल प्रेफर जूट। ठीक है, या जूट प्रोडक्ट्स। तो ये था सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो मेजर प्रॉब्लम था जो कि जूट इंडस्ट्री को फेस करना पड़ा था इंडिया में। नेक्स्ट, सप्लाई कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर जूट प्रोड्यूसिंग नेशंस। सप्लाई नहीं हो रहा था नेशन डिफरेंट नेशन से, जो कि था बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड। ये जो कॉम्पिटिशन थी सप्लाई कॉम्पिटिशन, ये भी बहुत तगड़ी थी। बताओ क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है ना कि अगर इंडिया ने जो भी जूट इंडस्ट्री में अपना कब्जा जमाने की कोशिश की है या जो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो उनको मे बी उनका क्या बोलते हैं
प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, रॉ मटेरियल्स अच्छे क्वालिटी के हों, उनकी जो क्वांटिटी है वो भी बहुत अच्छी हो और उनकी जो रेट है थोड़ी सी हाई हो। लेकिन अगर ऐसा करने के बाद जो हमारी कंट्रीज़ हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया और ब्राज़ील हो गया, फिलीपींस हो गया, इजिप्ट हो गया, थाईलैंड हो गया, अगर इन्होंने सेम प्रोडक्ट को क्वांटिटी कम रख, क्वालिटी कम करके और अगर कम रेट में अगर बेचा उन्होंने, तो फिर तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये था सप्लाई कंपटीशन में कि ये भी क्या बोलते हैं, हो सकता है कि उन्होंने कम रेट में उसी चीज़ को दिया हो और इंडिया ने ज़्यादा रेट में दिया हो और सप्लाई कॉम्पिटिशन और ज़्यादा बढ़ गई हो कि कहाँ से लाया जाए ताकि सस्ता पड़े। यही तो होता है ना कि इंसान क्वालिटी तो देख, क्वांटिटी तो देखता ही है, क्वालिटी थोड़ा सा रेयरली, मतलब आप समझ रहे हैं, क्वालिटी आजकल बाद में आ रही है, क्वांटिटी पहले आ रही है और रेट कम या ज़्यादा भी देखा जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम था जूट इंडस्ट्री को अपने इंडिया में पैर जमाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉल फार्मर्स फेस हार्ड कॉम्पिटिशन। जो छोटे छोटे फार्मर्स थे ना, जो फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया थे, वो बहुत ही हार्ड कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे। मतलब इतने कॉम्पिटिशन लेवल इतना हाई था कि दे वर फेसिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कि वो अगेन अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में, कैसे कंज्यूमर्स को खुश कर पाए अपने मार्केट से। तो ये एक उनका ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम था। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स नीड्स टू बी डाइवर्सिफाइड। प्रोडक्ट्स भी डाइवर्सिफाइड होने चाहिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ, सेम टाइप के प्रोडक्ट नहीं चाहिए उनको। ठीक है, वैरायटी ऑफ, वैरायटी बहुत सारी होनी चाहिए इसके लिए। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम था। तो अब आप, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2-3 लाइन्स इज मोर देन इनफ। ठीक है, 1.23 लाइन या एकदम बेसिक पॉइंट टू पॉइंट आंसर। 2 मार्क्स का आंसर है तो 2 लाइन 2 पॉइंट कम से कम लिखें। 3 का आंसर है 3 मार्क्स का तो 3 पॉइंट कम से कम। 5 मार्क्स का आंसर है तो 5 पॉइंट कम से कम, ये तो इतना चाहिए ही आपको। और अगर 5 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है कि डिस्क्राइब इट्स, भाई जो डिस्क्राइब इट्स प्रोविजंस एंड इम्पैक्ट अगर क्वेश्चन आ जाता है, तो अब आप 5 मार्क्स में कंफ्यूज हो जाएंगे कि कितने पॉइंट्स लिखने हैं। तो आप क्या करेंगे, कम से कम 3 3 पॉइंट्स दोनों लिखेंगे, प्रोविजन के भी 3 पॉइंट्स और इम्पैक्ट के भी 3 पॉइंट्स, प्रॉब्लम फेस के भी 3 पॉइंट्स, कॉजेस के भी 3 पॉइंट्स, लिमिटेशंस के भी 3 पॉइंट्स और मेरिट्स और डीमेरिट्स के भी 3 3 पॉइंट्स। तो इस तरह से आप उसको मैनेज करेंगे। 2 2 लिख के आएंगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन वहीं अगर आप 3 3 पॉइंट्स लिख के आएंगे एंड दैट विल बी करेक्टिव, तो यू विल गेट गुड 5 मार्क्स, फुल 5 मार्क्स। ठीक है, तो ऐसे इस वे से आप जाएंगे जब आप प्रिपरेशन करेंगे तब। अब इसके मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल जूट पॉलिसी का, जो कि 2005 का था। तो मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल जूट पॉलिसी वॉज वॉट, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी आप इंक्रीज करिए, प्रोड्यूसिंग ज़्यादा बढ़ाइए, प्रोवाइडिंग मटेरियल्स टू द फार्मर्स। ठीक है, आप फार्मर्स को ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करिए और लोअर रेट्स में प्रोवाइड करिए। ठीक, तो ये आपका होगा मेजर ऑब्जेक्टिव अब, क्योंकि अब आपको मार्केट में पूरा अच्छे तरीके से अपना पैर जमाना है, अपना सिक्का जमाना है, अपनी रेट, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है, क्वांटिटी को भी ध्यान में रखना है, क्वालिटी को भी ध्यान में रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको अपने गुड्स और सर्विसेज, जो गुड्स बेचने के बाद जो सर्विसेज होती हैं जो कंज्यूमर्स को चाहिए, कंज्यूमर को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उस पर बेस्ड अब वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट। दूसरा, क्वालिटी को इम्प्रूव करिए। क्या प्रोवाइड करने के लिए, गुड मटेरियल प्रोवाइड करिए, क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। रॉ मटेरियल जो है गुड क्वालिटी के होंगे तो ऑफकोर्स जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा वो गुड होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वालिटी कैसे किसी भी प्रोडक्ट की इम्प्रूव की जाए। नेक्स्ट है एंड टू एंश्योर द फेयर प्राइजेस। ऑफकोर्स आई टोल्ड यू ना, कॉस्ट, क्वान्टिटी और क्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, फेयर प्राइस रखिए जो जूट फार्मर्स को देते हैं, फिक्सिंग प्राइस, जो भी जूट फार्मर्स प्राइस फिक्स करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, वो फेयर प्राइस होनी चाहिए, मार्केट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तब ऑफकोर्स इस दुनिया, मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो ना बिक सके। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर ऑब्जेक्टिव थे जो कि नेशनल जूट पॉलिसी 2005 में आई थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। What is meant by regional political party? Regional political party का मतलब क्या है? State the conditions required to be recognized as a regional. ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें ये पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी में रिकॉग्नाइज होती है? ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 7। पार्टीज विच आर एक्टिवली इन्वॉल्व, जो स्टेट पॉलिटिक्स में एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं, उसको रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। स्टेट पॉलिटिक्स मतलब आपके स्टेट के पॉलिटिक्स में जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है जो भी पॉलिटिकल पार्टी, उसी को रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। इजी,
रीजन, रीजन स्टेट, स्टेट रीजन, किस स्टेट के किस रीजन से आप बिलोंग करते हैं। स्टेट और रीजन बहुत एकदम सिमिलर, एकदम आसपास के वर्ड्स हैं, इसको बहुत दूर दूर से कनेक्ट नहीं कर सकते, बहुत सिंपल और सिमिलर वर्ड्स हैं, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो स्टेट के पॉलिटिक्स में जो भी पार्टी अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है उसी पार्टी को रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। सिंपल, व्हाट इज मीन बाय रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। अब नेक्स्ट करते हैं, कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं जिससे पता चलता है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये है, इट शुड सिक्योर एटलीस्ट 6% वोट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट इन लोकसभा। पहला आंसर था ना, पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया था, वो 6% वोट चाहिए लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए उसको सिक्योर करना है, लोकसभा में नहीं। ठीक है, तो पहला पॉइंट। दूसरा, इट शुड विन एटलीस्ट 2 सीट्स, 2 सीट्स उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए विन करनी है, 2 सीट्स इन लोकसभा में नहीं। ठीक है, तो वहाँ वो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था लोकसभा, आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ही 2 सीट एटलीस्ट चाहिए और 6% ऑफ टोटल वोट्स आपको एटलीस्ट सिक्योर करना है। तो ये एकदम मेजर इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिससे आप रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसी के और पे, और में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नियरली एवरी वन ऑफ द स्टेट पार्टीज, स्टेट की बहुत सारी पार्टीज जो हैं, दे आर टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ, वो चाहते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी मिले किस चीज़ की, वन और द अदर नेशनल लेवल कोएलिशन, एक या एक से ज़्यादा, एक या ये या वो कुछ भी मिल जाए नेशनल लेवल कोएलिशन, ये चाहते हैं कौन, एवरी वन ऑफ द स्टेट पार्टीज। ठीक है, सपोर्ट द स्टेटमेंट्स विद आर्ग्यूमेंट, क्या आप ऐसा समझते हैं कि ऐसा एक्चुअली होता है, अपने सपोर्ट में अपने आंसर को उस सपोर्ट में बताइए। तो यहाँ पे है, द गिवन स्टेटमेंट कैन बी सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक, ऐसे स्टार्ट करेंगे आप, क्या ओवर द लास्ट थ्री डिकेट्स मतलब पिछले 30 सालों से, 1 decade 10 साल, 3 decades मतलब 30 साल। ठीक है, ओवर द लास्ट 3 decades से चलता आ रहा है क्या, द नंबर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट पार्टीज आर एक्सपांडेड, हैज एक्सपांडेड। तो क्या हुआ, जो स्ट्रेंथ है और जो नंबर है स्टेट पार्टीज का वो एक्सपांड होता जा रहा है। ठीक है, बढ़ता जा रहा है। देन दिस हैज़ मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल मोर डाइवर्स, इसी ने इंडियन पॉलिटिकल को डाइवर्सिफाई कर दिया, बहुत ज़्यादा कर दिया, एक्सपांड हो गया ना, तो डिफरेंट डिफरेंट लोग इसमें इन्वॉल्व होते गए तो डाइवर्सिफाइड हो गया। ठीक, इसमें किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, क्रीड से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है डाइवर्सिफाई का मतलब। नेक्स्ट है, नो सिंगल नेशनल पार्टीज हैज बीन एबल टू सिक्योर ऑन इट्स ओन अ मेजर मेजॉरिटी इन लोकसभा, मतलब कोई भी ऐसी सिंगल नेशनल पार्टी नहीं है जो कि एबल हो सके किस पे, अपनी सिक्योरिटी सिक्योर करने के लिए क्या, द मेजॉरिटी इन द लोकसभा, अपनी ही लोगों को मेजॉरिटी लोकसभा में सिक्योर कर सके, ऐसा कोई भी पार्टी नहीं बनी है। ठीक है, नहीं है, नॉट अ सिंगल नेशनल पार्टी। ठीक, एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से जो नेशनल पार्टीज हैं वो क्या कर रही हैं, अलायंस से कंपेल कर रही हैं विद स्टेट पार्टीज, नेशनल पार्टीज स्टेट पार्टीज से कंपेल कर रही हैं। ठीक, तो ये एक नेक्स्ट सेकंड पार्ट। थर्ड है इसका, 1996 से हर कोई लगभग स्टेट पार्टीज का, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू बी अ पार्ट ऑफ वन और द अदर नेशनल लेवल कोएलिशन, वही जो आपका क्वेश्चन है। ठीक, दिस हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म, यही वो वजह है जिससे फेडरलिज्म में आपकी स्ट्रेंथ बनी है, आपका फेडरलिज्म बहुत स्ट्रेंथनिंग हो रहा है, मतलब उसकी मजबूती बढ़ रही है, उसकी पावर बढ़ रही है, उसकी पकड़ बढ़ रही है। ठीक है, एंड डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी की भी सेम एज अ इन अ सेम वे डेमोक्रेसी की भी स्ट्रेंथ बढ़ते जा रही है हमारी कंट्री की। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड, नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, तो स्टेट पार्टीज हैं वो भी चाहती हैं कि वो भी नेशनल लेवल कोएलिशन का पार्ट बने। ठीक है, क्योंकि वो एक्सपांड करते हैं क्या उनके बेस को, और एंश्योर करते हैं कि नेशनल लेवल रिकॉग्निशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेशनल लेवल रिकॉग्निशन का मतलब समझ रहे हैं आप, नेशनल लेवल के आपकी पहचान बने, नेशनल लेवल में आपकी पहचान बन सके, इसकी भी सिक्योरिटी और सेफ्टी की दावा करते हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि ऐसा ये भी एक पार्ट बने उनका। दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ नेशनल लेवल कोएलिशन। ठीक, नेक्स्ट करते हैं आप इसका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वॉट इज दैट सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेज द लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट, कुछ लोग सोचते हैं कि डेमोक्रेसी ने लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट को प्रोड्यूस किया है। आप अपने इस स्टेटमेंट को एनालाइज करिए।
ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये क्या है। इट इज़ ट्रू दैट सम पीपल थिंक, ये एक्चुअली सही है कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसने लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट को प्रोड्यूस किया है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं इसके, कुछ फॉलोइंग रीजन है इसके। वो क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव वेरी गुड रिकॉर्ड। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ अच्छा सा रिकॉर्ड नहीं है जिसमें वो शेयर कर सके कुछ इन्फॉर्मेशन विद सिटीजन। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है इसका, जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स हैं दे डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट डेलिब्रेशन इन असेंबलीज। असेंबली में वो डेलिब्रेटरी वर्क नहीं करते हैं, मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एंड नो वरी अबाउट द मेजोरिटीज एंड द पब्लिक ओपिनियन, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेजोरिटीज की क्या ओपिनियन है और पब्लिक ओपिनियंस क्या है। ठीक है, ये भी एक रीजन है, दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द रीजन वाई द डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेज द लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट, बहुत क्विक और एफिशिएंट हो सकते हैं, लेकिन कुछ मतलब इन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सम डिसीजंस। ठीक है, तो क्विक हैं और जल्दी से सोच लेते हैं, जल्दी से डिसीजन ले सकते हैं, और जल्दी से मतलब बहुत एफिशिएंट हैं कुछ फैसले लेने में, कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करने में। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये है। नेक्स्ट है क्विक का मतलब समझे, जल्दी का काम खराब होता है कभी कभी, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करती है हमारी डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ पीपल, नीड ऑफ पीपल पे नहीं जा करके क्या करते हैं, दे ऑफन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ मेजोरिटी ऑफ देयर पॉपुलेशन। ये भी रीज़न है, आपके मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की क्या नीड है, क्या उनकी सोच है, क्या उनकी ज़रूरत है, अगर उस पर बात नहीं होगी तो लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट तो होगी ही होगी। आप बताइए जिस स्टेट में, जिस कंट्री में, जिस जगह में आपका डेमोक्रेसी चलना चाहिए, अगर आप उन्हीं लोगों की बात को, उन्हीं लोगों के नीड्स को, उन्हीं लोगों की बेसिक ज़रूरतों को अगर आप मद्देनज़र ना रखते हुए अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपकी गवर्नमेंट तो लेस इफेक्टिव ही हुई ना। तो इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो दिस वॉज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक वैध गवर्नमेंट है, लेजिटिमेट मतलब वैध गवर्नमेंट है, वैध गवर्नमेंट है। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट्स, इस स्टेटमेंट का आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट्स आपका क्या है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द लेजिटिमेट गवर्नमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, क्या रीजन से वो वैध गवर्नमेंट है। इट इज वन इन विच लॉज एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर रिवील्ड, ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें लॉज और एक्शन जो है वो रिवील्ड होते हैं, लोगों को दिखते हैं, समझ में आते हैं, और गवर्नमेंट के फंक्शंस बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में चलते हैं, ये एक पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है द गवर्नमेंट इज लेजिटिमेटली इलेक्टेड, लेजिटिमेटली मतलब ट्रांसपेरेंसी में होता है गवर्नमेंट का इलेक्शन। ठीक है, थ्रू द ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस, यस, एंड द विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी, जो कि ऑर्गेनाइज करती है एक ऐसी बॉडी जो परफेक्टली वहाँ पे अपना मतलब एक क्या बोलोगे उसको आप, अच्छी जिसकी कोई वैल्यू हो, वैल्यूएबल बॉडी के साथ ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट है द प्रोसीजर लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूएंसी इज स्ट्रिक्टली फॉलोड टू इलेक्ट द गवर्नमेंट, और जो प्रोसीजर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है हमारी वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती है टू इलेक्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, आई होप ये आंसर्स आप समझते जा रहे हो आपको क्या लिखना है किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। थर्ड पॉइंट है पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव, लोगों को जो आम जनता है वो चाहती है कि उसको रिप्रेजेंटेटिव रूल करे। ठीक है, जो भी उसका जिसको भी उन्होंने अपना इलेक्शन में इलेक्ट किया है थ्रू इलेक्शन हूसोएवर दे हैव इलेक्टेड, वो चाहती है कि वो अपने इलेक्टेड गवर्नमेंट से, इलेक्टेड पीपल से वो रूल होए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। देन डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट मेक्स इट मोर लेजिटिमेट, और यही वो वजह है कि डेमोक्रेसी कितनी और ज़्यादा लेजिटिमेट हो जाती है। आप समझिए बात को, आपको आपने जिसको चुना है और अगर आप चाहते हैं कि वही आपको रूल करे और आप उसकी बात मानेंगे भी तो ये बनाती है ना आपको और लेजिटिमेट, ये है इसका रीज़न। ठीक, नेक्स्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 के और को। में और का क्वेश्चन बोलता है कंप्लेंट्स आर ट्रीटेड एज टेस्टिमनी, कंप्लेंट जो होती है आपकी जो शिकायतें हैं वो आपकी गवाही की तरह ट्रीट कर रहे हैं, कंप्लेंट्स को गवाहियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए। आप इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में कुछ अपने आंसर्स को बोलिए, ये है आपका क्वेश्चन का मतलब। तो ये है किस टाइप के स्टेटमेंट्स इसमें आ सकते हैं, ये देखिए। इट शोज दैट द पीपल आर अवेयर ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, यस ऑफकोर्स पीपल को अपनी प्रॉब्लम की अवेयरनेस है, उनको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, एंड आर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, और क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को कि भैया सॉल्व करिए इस प्रॉब्लम को, क्योंकि हम ही वो बंदे हैं जिसको जिन्होंने आपको चुना है एज अ गवर्नमेंट, अगर आप हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा।
ठीक है। तो सबसे पहली बात, पीपल अवेयर है अपने प्रॉब्लम्स को लिए और वो क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट को कि इसको सॉल्व करना है, और पीपल कैन नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इन केस ऑफ डिक्टेटरशिप। पीपल क्रिटिसाइज नहीं करेगा किसी गवर्नमेंट को इन केस ऑफ डिक्टेटरशिप, अगर वो गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप को फॉलो करती है तो। सेकेंड पॉइंट, पब्लिक एक्सप्रेशन जो है वो डिससेटिस्फेक्शन का, दैट इज विद द डेमोक्रेसी, दैट शोज दैट द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट। समझ गए आप कि पब्लिक एक्सप्रेशन जो है डिससेटिस्फेक्शन का डेमोक्रेसी के साथ, वो शो करता है डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट के सक्सेस को, बिकॉज गवर्नमेंट इज अलाउइंग इट्स ओन क्रिटिसिज्म। गवर्नमेंट खुद अपने क्रिटिसिज्म को अलाउ करती है और अपोज करती है पब्लिक को, एंड अपोजिशन बाय द पब्लिक, पब्लिक के अपोजिशन को भी क्रिटिसाइज करती है, मतलब ये सब कर रही है गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या है, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल कीप्स द पावर होल्डर्स इन चेक। जिनके हाथों में पावर है, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट जो है बाय पीपल के थ्रू, वो उनके मतलब वो उनको चेक करती रहती है, दे कीप्स द पावर होल्डर्स इन चेक, मतलब उन पे नज़र रखे रहती है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है इसका, इट ट्रांसफॉर्म्स पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ द सिटीजन। मतलब आप किस बारे में बात कर रहे हो और आप क्या सिटीजन, आपके सिटीजनशिप को, इन दोनों में ये ट्रांसफॉर्म करती रहती है। द पीपल ट्रांसफॉर्म, इट ट्रांसफॉर्म मतलब ये पीपल को ट्रांसफॉर्म करती है स्टेटस ऑफ लाइक स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट से नॉर्मल सिटीजन में। कि आप अब ऐसा सोच के देखिए कि आप एक सिटीजन है, नॉर्मल सिटीजन है, ऑफकोर्स ऐसा होता है, प्रॉब्लम एक की नहीं होती है। प्रॉब्लम हम सोचते हैं कि अगर इलिटरेसी की प्रॉब्लम है तो सिर्फ एक जगह पे नहीं है, ये पूरी कंट्री में पता नहीं कितने ही लोगों की है। अगर हम पॉवर्टी की बात कर रहे हैं तो ये किसी एक की बात नहीं करते, हम पता नहीं कितने लोगों की बात करते, वी थिंक एज अ सिटीजन अबाउट दैट, ठीक है। अगर हम सोचते हैं कि ये मतलब काम की प्रॉब्लम है, क्या बोलते हैं उसको, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है तो सिर्फ एक बंदे की बात नहीं होती, यहाँ पे पता नहीं कितने सिटीजन्स की बात हो रही है जो कि पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं कि ये इसका एक्सप्लेनेशन और भी ज़्यादा अच्छे से हो गया। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 डन है आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। व्हाट डज इट मीन, क्वेश्चन नंबर 10 सेज व्हाई डिड महात्मा गांधी, अगेन एंड नेशनलिज्म एंड नेशनलिज्म ऑफ इंडिया हिस्ट्री, व्हाई डिड महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को महात्मा गांधी ने क्यों लॉन्च किया था, कोई 3 रीजन बताइए। तो सिविल डिसोबीडियंस महात्मा गांधी ने क्यों लॉन्च किया था, यहां पर आप देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब आते हैं सेक्शन सी, सेक्शन सी में है व्हाई डिड महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उनके 3 इंपॉर्टेंट रीजन बताइए। तो महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इस रीजन से लॉन्च किया था। सबसे पहला, लॉर्ड इरविन जो थे उन्होंने इग्नोर किया था 11 डिमांड्स ऑफ महात्मा गांधी, एक डिमांड नहीं मानी उन्होंने उनकी, ठीक है, और इंक्लूडिंग द एबोल्यूशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट टैक्स का भी एबोल्यूशन चाहते थे और डिमांड भी नहीं माने, ठीक है। हुआ क्या, बहुत सारे मेथड्स हुए जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स चाहते, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहते, मतलब वो जो जिससे चाहते थे कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आए कंट्री में, ठीक है। फ्रॉम विद इन द काउंसिल फेल टू, जो कि वो भी फेल हो चुकी थी, पहला रीजन। दूसरा, आफ्टर द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, जब पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई, दैट वॉज 26 जनवरी 1930, दे वॉज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। नाउ हाउएवर सच सेलिब्रेशंस फॉर फ्रीडम कुड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन, ये टाइप के सेलिब्रेशन कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं किए थे किसी को भी फ्रीडम के लिए, दे कुड नॉट अट्रैक्ट फॉर द अटेंशन एंड द पार्टिसिपेशन ऑल्सो इवन। और उसके बाद हुआ क्या था, गांधी जी ने समझ चुके थे कि ये भैया ये मास को एकजुट करने के लिए इतना काफ़ी नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने समझ लिया था ये, अब वो चाहते थे कि मुझे अगर इस मूवमेंट को इंक्रीज, अगर इस मूवमेंट को क्या करना है, मतलब आप समझिए पास करना है या उसको क्या करना, फेल नहीं होना चाहिए मोमेंट, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए हमको, जब हमको पता है हमको पूरी भीड़ इकट्ठा करनी है, मेजॉरिटी ज़रूरी है, मेजॉरिटी का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, तो उनका सबसे पहला मुद्दा होता है कि आप अपने जो पीपल है, नंबर ऑफ पीपल है, पार्टिसिपेशन है जो, उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले सोचा कि भैया मास को बढ़ाना है, मास को इन्वॉल्व करना है और पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। ही नीड्स टू फोकस द ऑन व्हाट बॉदर्ड देम, ही नीडेड टू फोकस ऑन व्हाट बॉदर्ड देम द मोस्ट अबाउट द कॉलोनियल गवर्नमेंट। वो समझ चुके थे कि इनको जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वही बॉदर कर रही है, अब इनको इनके लिए अपने लिए अगर आवाज़ उठानी है तो पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा मूवमेंट के लिए। तो ये था सेकेंड पॉइंट।
थर्ड है, ये रीजन है थर्ड सेकंड रीजन। अब थर्ड रीजन क्या था, जो सिविल डिसोबीडियंस की आइडिया थी वो मेनली फोकस थी ऑन द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज दैट वर फेस्ड बाय द पीपल इन देयर एवरीडे लाइफ। ठीक है, डे बाय डे जो होती है ना एवरीडे लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स होती है उस पर फोकस किया गया। ठीक, ही आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम्स विच द रिच एज वेल एज द पुअर फेस्ड। ना सिर्फ गरीब, अमीरों ने भी इस प्रॉब्लम को फेस किया था और फिर उस पर हाईलाइट किया इन इश्यूज पे, फिर अपनी कैंपेन में लोगों को यूनाइट किया और फिर उन्होंने सोचा कि अब इस कैंपेन को अगेंस्ट द ब्रिटिश यूज किया जाए। ठीक है, तो ये एक रीजन था। फोर्थ पॉइंट है इसका कि इस मोमेंट में जो दैट मोमेंट वो सक्सीड द नॉन कोऑपरेशन मोमेंट एंड टेक द कॉज ऑफ स्वराज फर्दर। पहले तो ये मूवमेंट को सक्सीड किया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लाया गया और फिर वो चाहते थे ये, मतलब यही वो रीज़न था कि वो स्वराज को कैसे और आगे, मतलब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, तो पूर्ण स्वराज एक दिन का काम नहीं है ना, ये मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट ये स्टार्ट होता है। ठीक है, और फिर वो धीरे धीरे हर मोमेंट्स पे चाहते थे कि पूर्ण स्वराज को भी अब सक्सीड वाले पोजिशन में, सक्सेस वाली पोजिशन में लाया जाए। ठीक, तो गांधी जी ने इन्वॉल्व किया था नए नए प्रोग्राम्स ताकि वो उनको और स्ट्रॉन्गर और स्ट्रिक्टर बनाया जाए पहले से भी ज़्यादा। ठीक है, बहुत सारा उन्होंने कोशिश की, एक मूवमेंट चालू किया नहीं काम आया तो उसको मूवमेंट को वहीं पे स्टॉप किया, फिर लोगों को फिर नए तरीके से खड़ा किया, नए लोगों में फिर से नई उम्मीद, नई आग, नई जोश को भरने की कोशिश की ताकि वो पूर्ण स्वराज ला सकें। ठीक है, तो ये था उनका पॉइंट। अब पढ़ते हैं और वाला क्वेश्चन, हु हैड ऑर्गेनाइज दलित। सबको पता है B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ऑर्गेनाइज किया था दलित इनटू द डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन इन 1930, डिस्क्राइब हिज अचीवमेंट्स। तो उन्होंने वो दलित का हैज ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेशन। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने, और उनके अचीवमेंट्स क्या क्या थे, उन्होंने डिमांड रेज की थी कि उनको भी दलित को भी इलेक्शन में क्या दिया जाए, सीट दी जाए, हक दिया जाए। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अम्बेडकर डिमांड फॉर द सेपरेट, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर दिया था। ठीक, दलित के लिए इलेक्टोरेट वो कर सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड पूरी कर दी थी। नेक्स्ट है डिप्रेस क्लासेस, जो थोड़ी छोटी क्लासेस थी, गॉट दे शुड गॉट द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी पूरा पूरा सीट्स का हक दिया जाए, उनकी सीट्स रिजर्व कर दी जाएं। ठीक है, ये उनका अचीवमेंट था, मिल गया। ठीक, नेक्स्ट, अंबेडकर ने एक्सेप्ट किया गांधी जी पोजीशन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ पूना पैक्ट फॉर डिजाइन। पूना पैक्ट को साइन किया गया था ना, पूना पैक्ट को साइन किया गया था ना, उसी समय अंबेडकर ने एक्सेप्ट कर लिया, अंबेडकर जी ने एक्सेप्ट कर लिया था गांधी जी की पोजीशन और रिजल्ट ये हुआ कि पूना पैक्ट को साइन कर लिया गया। ठीक, फिफ्थ पॉइंट है पैक्ट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस। वो पैक्ट में क्या हुआ था, दे गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस रिजर्व सीट। उसी पैक्ट में डिसाइड हुआ कि इन डिप्रेस्ड क्लासेस जो कि थोड़ी सी नीची क्लासेस थी, मतलब जिनको नीचा माना जाता था, उन क्लासेस के लिए क्या कर दिया जाए, सीट्स को रिजर्व कर दिया जाए और दे वर टू बी वोटेड इन बाय जनरल इलेक्टोरेट। ठीक है, और फिर उनको अगर वो भी अगर खड़े होते हैं किसी इलेक्शन में तो उनका भी वोटिंग होए प्रॉपरली और उनको भी जनरल इलेक्शंस में ही काउंट किया जाए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10th के और का आंसर। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। व्हाट डज इट मीन, 11 में क्या दिया गया है, 11 में है आपका रोडवेज स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज। रोडवेज अब भी रेलवेज से ऊपर माना जा रहा है, मतलब आप समझ जाइए उसको प्रेफर किया जा रहा है इंडिया में। सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या आंसर लिखेंगे देख लीजिए। ट्रांसपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है इकोनॉमी में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट की वजह से रॉ मटेरियल जो है फैक्ट्रीज के रीच होते हैं एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो रीच करते हैं कंज्यूमर्स तक। ठीक, और फिर जो डेवलपमेंट का पेज आता है कंट्री में वो डिपेंड होता है कि कैसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रही हैं और उनका मूवमेंट कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, ओवर द स्पेस। देन टुडे द वर्ल्ड हैज कन्वर्टेड इनटू द लार्ज विलेज इनटू विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये तो ऑफकोर्स हुआ है। तो जो गुड ट्रांसपोर्ट है दैट हेल्प्स इन कीप क्विक कैरिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम क्या रिमोट एरियाज टू द प्रोडक्शन सेंटर। कहीं कहीं मतलब ऐसे रिमोट एरियाज का मतलब समझते हैं आप, ऐसी जगह जहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता है, जहाँ हर चीज़ की फैसिलिटी नहीं होती है, गाँव देहात की बात कर लें हम। ठीक है, अभी तक के बहुत सारी ऐसी एरिया हैं जहाँ पे पूरी फूड फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, तो ये जो है ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये वहाँ से यहाँ वहाँ मतलब उस एरिया से इस एरिया तक पहुँचाने के बहुत ही इजीली काम आती हैं, क्विक कैरिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द रिमोट एरियाज टू द
लाइक गुड्स प्रोडक्शन सेंटर्स एंड अलाउज द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुड्स एफिशिएंटली, और बहुत अच्छे तरीके से गुड्स को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ने डेवलपमेंट में बहुत अच्छा, ट्रांसपोर्ट ने हेल्प किया है डेवलपमेंट में और कम्युनिकेशन में भी. ठीक है, वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हेल्प्स इन इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल. बहुत सारे ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो इंटरेक्ट करने के लिए अलग अलग कंट्री के, अलग अलग जगहों के, अलग अलग रिमोट एरिया के, कहीं के भी लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहा है. पूरे पार्ट्स वर्ल्ड के हर पार्ट में हम ऐसा कर सकते हैं. ठीक है, इट हैड ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर. एग्जैक्टली, ये जो मीन्स ऑफ, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, इन्होंने वर्ल्ड को बहुत आसपास लेके आ गए. जो बहुत दूर दूर जगह लगती थी, इन ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बहुत अब इजी टू रीच हो गया है. ठीक, ट्रांसपोर्ट जैसे कि रेलवे है, वो हमको हेल्प करती है कि वेरियस एक्टिविटी कंडक्ट कर सकें, जैसे कि बिजनेस है, साइट सीइंग है, पिलग्रिमेजेस है, इन सबको बहुत ही ईजीली हम क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं इस एक्टिविटीज़ को. नेक्स्ट है जो पाइपलाइंस है, दे वर यूज्ड इन ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल. ठीक है, पाइपलाइंस आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस टू रिफाइनरीज एंड फैक्ट्रीज. देखिए कितना इजीली हो गया ये काम इनके थ्रू. ठीक है, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्टेशन टू रिफाइनरीज एंड द फैक्ट्रीज. देन नेक्स्ट है वाटर. वाटर जो प्रोवाइड होता है, वो जो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इट प्रोवाइड्स वाटर एंड वाटर प्रोवाइड्स इट एंड देन इज़ यूजफुल फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड. इवन शिपिंग जो होती है, जो स्टीमर में काम होते हैं, जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन से बहुत ईजिली हो जाता है, वो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है. ठीक, एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो बहुत फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. ऑल्दो बहुत थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन वो बहुत फास्टेस्ट है. ठीक है, और ये बहुत कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है. तो ये था आपके और का आंसर. और में जो लिखा है ना, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज अ प्री रिक्विजिट, ये इसका और वाले का आंसर है ये. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 का पहला कि रोडवेज स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन इंडिया, इसका एक्सप्लेनेशन मैं कर रही हूँ. और के एक्सप्लेनेशन की बात मैं पहले कर ली हूँ कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो प्री रिक्विजिट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, वो क्या है, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया. अब मैं बात करूँगी कि रोडवेज ने कैसे अपना रेलवेज के ओवर बनाया है इम्पैक्ट. ठीक है, मतलब इम्पैक्ट बनाया है. ठीक है, रोड कैन ट्रांसफर्स ओवर कंपेटिटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी. रोड में ज़्यादा इजीली हम क्या कर लेते हैं, सफ़र कर लेते हैं, एंड ऑल्सो ओवर माउंटेनियस रीजन्स ऑल्सो. ठीक है, तो रोडवेज, ए रोड एक सबसे पहला ये पॉइंट है. नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस जो है कॉस्ट ऑफ रोड्स की, वो बहुत लोअर है एज कम्पेयर टू द रेलवे लाइन्स. यस ऑफकोर्स. नेक्स्ट है रोडवेज जो है वो प्रोवाइड करता है हमको डोर टू डोर सर्विस और लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑल्सो इवन. ठीक है, एंड देन सो दे एक्ट एज अ फीडर टू द अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो ये इसीलिए फीडर की तरह काम करता है दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, एज दे प्रोवाइड द लिंक बिटवीन द रेलवे एंड द सी पोर्ट्स एंड द एयर ट्रांसपोर्ट. तो रोडवे इसलिए भी बहुत अच्छा, इम्पैक्टफुल है या यूजफुल है या बोल दी को कम्फर्टेबल है रेलवे लाइन्स के कंपेरिजन में, रेलवेज के कंपेरिजन में. देन रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो इकोनॉमिकल है इन ट्रांसपोर्टेशन. कुछ पर्सन जो होते हैं, कुछ रिलेटिव जो होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स जो लेके जा सकते हैं शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, वो रेलवे ना प्रेफर करके वो क्या प्रेफर करते हैं, रोडवेज प्रेफर करते हैं. देन रोड्स कंपेरेटिवली रेलवे लाइन्स के जो हैं, दे कैन निगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप ईजिली एंड एज सच कैन ट्रांसफर्स माउंटेन लाइक हिमालय. मतलब जहाँ पे आप, कहने का ये सिंपल सा मतलब है, जहाँ पे रेलवेज नहीं जा पाती हैं वहाँ रोडवेज से हम आसानी से पहुँच जाते हैं, चाहे वो कोई भी रीज़न हो. ठीक है, तो ये है वो रीज़न कि वाई द रोडवेज स्टिल हैव एन एज ओवर द रेलवेज इन इंडिया. ठीक, तो आई होप कि यहाँ तक के कोई भी क्वेश्चन के आंसर के एक्सप्लेनेशन में आपको कोई भी डाउट नहीं है. मैं पहली बार चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ, इससे पहले भी मैंने टर्म वन के एक्सप्लेनेशन दिए हैं आपको प्रैक्टिस पेपर में. अब टर्म टू का एक्सप्लेनेशन है, बहुत केयरफुली करिए, बोर्ड एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करना. नेक्स्ट एक और मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ, क्वेश्चन नंबर 11th. अगर मैं बात करूँ फिर से, मतलब क्वेश्चन नंबर 11th में मैंने चार क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहा है आपसे. तो ये है पहला कि क्या करना है हमको, ये जो है एग्रीकल्चर के बारे में बात करूँ. एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे के हाथ में हाथ लेके मूव करते हैं.
इस स्टेटमेंट को एग्जांपल के साथ कैसे एनालाइज करोगे? तो डेवलप्ड मीन्स ऑफ इरिगेशन आर इंडिस्पेंसिबल फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इरिगेशन के अगर डेवलप्ड मीन्स हम अगर करते हैं यूज़, तो क्यों ना एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ेगी, ऑफकोर्स बढ़ेगी। द मशीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग ऑल दिस मीन्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। सो द इंडस्ट्रीज आर प्रोवाइडिंग ऑल दिस थिंग्स टू अस, सो वी हैव टू जस्ट टेक इट अप एंड जस्ट गो इन अ फ्लो, है ना। एक समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा तरक्की चाहिए, तो मोड ऑफ न्यू मीन्स ऑफ इरीगेशन कि उसको फॉलो करना या एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। फर्टिलाइजर्स जो हैं मैन्युफैक्चर होते हैं इंडस्ट्री में, क्या करने के लिए? फर्टिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने के लिए, लैंड को इंक्रीज करने, लैंड की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ग्रेट सिग्निफिकेंस लाने में फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज करने के लिए, तो फर्टिलाइजर्स इसके लिए यूज़ होते हैं न्यू, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो कन्वर्ट करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इनटू द वैल्यू एडेड कमोडिटीज़ में, ठीक है। तो हो गया ना एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में कनेक्शन, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया कंप्लीट। चौथा पॉइंट है आपका इंडस्ट्री जो सप्लाई करती है ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, एंड दे आर यूजफुल फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर ओनली। तो ये हो गया एक और रिलेशन इसके बीच में। नेक्स्ट है फोर्थ कि इंडस्ट्रीज जैसे कि कॉटन हो गई, सिल्क हो गई, जूट हो गई, वुलन हो गई, टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल, एवरीथिंग, एडिबल ऑयल एक्सेट्रा, दे आर एग्जैक्टली बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स। तो एग्रीकल्चर से ये रॉ मटेरियल्स नहीं आएंगे तो ये फिनिश्ड प्रोडक्ट इंडस्ट्री में नहीं बन पाएंगे। तो ये एक रीज़न है कि कैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक साथ हाथ में हाथ लेके चलती हैं, ठीक है। तो ये था इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। अब आते हैं एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्वेश्चन का मतलब समझिए। डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट इज अ प्री रिक्विजिट फॉर लोकल एंड नेशनल डेवलपमेंट। बहुत ज़रूरी है, बहुत ही रिक्वायरमेंट है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है ये नेशनल डेवलपमेंट की। आप इस स्टेटमेंट को क्या करिए, एनालाइज करिए। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। आंसर क्या बोलता है? एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट गो हैंड इन, मतलब जस्ट दे आर रिक्वायर्ड फॉर द लोकल फास्ट डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बिकॉज ऑफ द बिलो मेंशन पॉइंट्स। एंड द पॉइंट्स आर फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड स्पेस। ऑफकोर्स कि बिजनेस हम ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते थे, कुछ ही हमको जितनी स्पेस दी गई थी उसी में हमको काम करना था, अपने बिजनेस के को बढ़ाना था या ट्रेडिंग करनी थी, ठीक है। विद डेवलपमेंट इन मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की डेवलपमेंट की वजह से ये एरिया ट्रेड की एरिया एक्सपांड हो गई, ईजी हो गया ट्रांसपोर्टेशन ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये एक रीज़न तो बहुत समय तक जो ट्रेड है, जो बिजनेस है, उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया था लिमिटेड स्पेस में, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, ट्रांसपोर्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट के बहुत सारी फैसिलिटीज़ की वजह से ट्रेड अब एक्सपांड हो गया, ठीक। नेक्स्ट है जो वर्ल्ड है वो कनेक्ट कन्वर्ट हुआ है लार्ज विलेजेस में विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली एफिशियंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट की वजह से, ठीक है। थर्ड है ट्रांसपोर्ट ने हेल्प किया है इंडिया को लिंक करने के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डिस्पाइट ऑफ द वास्ट साइज। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी दूर तक जाना है, कब तक जाना है, डाइवर्सिटीज कितनी है, लिंग्विस्टिक कितना डाइवर्सिफिकेशन है लिंग्विस्टिक में, और क्या सोशियो कल्चरल प्लूरलिटी है इसके, इसको बिल्कुल ध्यान में ना रखते हुए जो लिंक है, कनेक्टिविटी है इंडिया की, वो बहुत बढ़ गई है ट्रांसपोर्ट की वजह से। नेक्स्ट है एफिशिएंट और फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट ने क्या और जादू किया है वो देखिए कि कुड बी डेवलप्ड विथ ओनली हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। उन्हीं की वजह से ये और क्या हुई है, डेवलप्ड हुई है और यूजफुल हुई है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत पेरिशेबल गुड्स इजीली, ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिशेबल गुड्स बिकम्स ईजियर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिशेबल गुड्स बिकम्स ईजियर, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत अच्छी पेरिशेबल गुड्स को भी ट्रांसपोर्टेशन इसका भी क्या हो गया, ईजी हो गया है, ठीक है। बड़ी बड़ी भारी भारी ऐसी ऐसी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन अब ईजी हो गया क्योंकि हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इतने एफिशिएंट हैं, इतना परफेक्ट हैं, ठीक है, इसीलिए ये सब पॉसिबल हो सका है। नेक्स्ट पोर्ट जो है दैट हेल्प्स इन इम्पोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, एग्जैक्टली जो सी पोर्ट्स हैं ये सब हैं वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में ही अपना पूरा रोल प्ले कर रहे हैं, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिटेबली भी और परफेक्टली भी।
ठीक है। नेक्स्ट, जो रेल ट्रांसपोर्ट्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं हमको मूवमेंट ऑफ हैवी एंड बल्की गुड्स एट द लॉन्ग डिस्टेंस। दूर दूर के अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हमको पहुंचानी है कोई चीज़, तो रेलवेज, रेल ट्रांसपोर्ट जो है वो भी हमको बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्प करते हैं, इसलिए भी ट्रेड बढ़ गया है। जो रोड हैं वो कनेक्ट करते हैं डिस्टेंट एरिया को और इंक्रीज कर रहे हैं कनेक्टिविटी को। तो ये है इसका बहुत ही बेहतरीन आंसर। इनमें से आप कितने, अगर आपके 8 पॉइंट्स हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। आप इनमें से कोई भी 5 पॉइंट चूज कर लीजिए, जो भी इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड है, एंड यू राइट योर आंसर इन अ वे वेयर यू आर गेटिंग, वेयर यू विल गेट अ गुड मार्क्स। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज दैट? ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन एडवेंटेजियस टू कंज्यूमर्स एज वेल एज टू प्रोड्यूसर्स। एग्जैक्टली, ग्लोबलाइजेशन ना सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज देने वाला, मतलब प्रॉफिटेबल है। ठीक है, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ योर सुटेबल एग्जाम्पल्स। सो आई मस्ट से कि द गिवन स्टेटमेंट विल बी लाइक द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम, ग्लोबलाइजेशन मतलब फैलाना किसी भी चीज़ के साथ, ग्लोबलाइज करना मतलब बहुत दूर दूर तक हमारा पूरा किसी काफ़ी एक्सटेंड तक किसी चीज़ को रीच कर लेना। ग्लोबलाइजेशन दैट हैज़ प्रोवाइडेड द बिग बूस्ट टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज। एग्जैक्टली, आसपास की डायरेक्ट कंट्रीज़ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या कुछ ऐसी ट्रेडिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, गुड्स का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऑफकोर्स ये बहुत ही बिग बूस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी की वजह से एंड प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन है वो कंसीडर की गई है, या उसको कंसीडर कर सकते हो कि उसका इम्प्रूवमेंट कितना बेहतरीन हुआ है, दैट हैज़ बीन इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली। देन एट प्रेजेंट बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं बेटर सर्विसेज टू द कंज्यूमर। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो फ्री है अब इम्पोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल्स को, और क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी भी, फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर कंट्री। ठीक, थर्ड पॉइंट है, ग्लोबलाइजेशन में क्रिएट हुए हैं बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंपनीज विच आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, पर्टिकुलरली व्हेन दोज इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्विंग द इन्फॉर्मेशन हो, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हो, किसी में भी हो। तो ये भी बहुत ही बढ़िया एक पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन का, वो है क्या है, एडवांटेज है। नेक्स्ट है, इंडियन कंज्यूमर्स जो हैं उसको बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स मिल रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और चीपर रेट में मिल रहे हैं। ये रीज़न है ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का, कि वो कितना सपोर्टिव है, कितना सपोर्ट है इसका, कितना हेल्प है इन सब चीज़ों का इस हमारी कंट्री में। ठीक है, या ट्रेडिंग विद द कंट्रीज़ के लिए। तो ये था कुछ एक्सप्लेनेशन किसका, कुछ क्वेश्चंस का जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ प्रैक्टिस पेपर से, और आशा करती हूँ कि आपको सारे आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे कि लिखना क्या क्या है और कितना लिखना है। जितना लिखना है आप उतना, जितना वैल्यूबल है, यूज़फुल है, उतना ही लिखिए। ज़्यादा वास्ट लिखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्क्स मिले, हो सकता है कि आपकी इंग्लिश की वजह से मार्क्स कट जाए, तो डोंट गो लाइक दैट। और कोशिश करना कि क्वेश्चन को इतना, आंसर्स को इतना परफेक्ट लिखना पॉइंट टू पॉइंट कि पूरे आंसर्स के मार्क्स आपके पॉकेट में हो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, और डेफिनेटली आई विल कम विद द नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर वेरी सून, और टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए, समझते रहिए, पेरेंट्स को बॉदर बिल्कुल मत करिए। थैंक यू सो मच।